करने क्लास? हाँ चलो, लाइट तो लाइट क्यों जला रखी है तुमने, ऑफ क्यों कर रखी है लाइट्स? गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सुप्रभात मेरे प्यारे साथियों, आप सबको नमस्कार मेरा वेरी गुड मॉर्निंग। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। आज क्या क्या है खास आपके लिए, तो आइए देखते हैं। टोटल नंबर ऑफ रामसर साइट्स इन इंडिया, पहली चीज़ आपके लिए पूछी जा रही है, आजकल चल रहा है चर्चा में, बड़ी खास चीज़ है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि इंडिया में टोटल रामसर साइट के क्षेत्र कितने मौजूद हैं। मेरे प्यारे साथियों, टोटल नंबर ऑफ रामसर साइट्स इन इंडिया जो है वो अगर आपसे पूछा जाए तो ये अच्छा प्रश्न बनता है, बड़ा ही अच्छा प्रश्न है, क्योंकि यहाँ से 39 आपसे बनने की पूरी पूरी संभावना है, यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। आइए देखते हैं कि पूरा पूरा मैटर क्या है और पूरी की पूरी बात यहाँ पर क्या की जा रही है और पूरा का पूरा मुद्दा यहाँ पर क्या है। आइए जरा एक बार नज़र डालते हैं इसके ऊपर। देखिए ये 39 जो संख्या है रामसर साइट्स की, टोटल नंबर 39 है इंडिया में। ये आपसे मैंने कहा था कि इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ से बन सकता है। ये क्यों चर्चा में चल रहा है, क्योंकि दो तीन चीज़ों को अभी रिसेंटली हाल ही में इसको लेकर कुछ चर्चा रही है, उस चर्चा की वजह से अभी जो है ये जो है रामसर साइट वाला मुद्दा दोबारा से चर्चा में आ गया है। यहाँ पर देखोगे रिसेंटली अब जो खबरताल वेटलैंड बिहार में एंड असन कंजर्वेशन रिजर्व जो उत्तराखंड में, हैवी डेनेटेज रामसर साइट, इन दोनों को क्या बोला गया है, अभी इनको रामसर साइट का दर्जा दिया गया है। और दोनों को मिलाने के बाद आप देखोगे कि रामसर साइट जो इंडिया में टोटल हो जाते हैं वो 39 हो जाते हैं मेरे प्यारे साथियों। अब ये है क्या रामसर साइट 39 इंडिया में क्यों हो जाते हैं, ये वेटलैंड होते क्या है? बेसिकली आपको एक बताऊं, वेटलैंड का मीनिंग होता है ऐसी जगह, वेट का मीनिंग गीली, लैंड का मीनिंग जमीन, ऐसी जमीन जहां पर पानी की मात्रा आपको ज़्यादा देखने के लिए मिले, जो दलदली टाइप की भूमि हो, उसे आप क्या बोलते हैं, उसे आप वेटलैंड कहते हैं। और रामसर एक कन्वेंशन है जो 1971 में साइन हुआ था, अब बात करेंगे इसके बारे में। इसी कन्वेंशन को लेकर जो ऐसी जगह इंडिया में दुनिया में पाई जाती हैं उन्हें आप रामसर कन्वेंशन के नाम से जानते हैं मेरे प्यारे साथियों। और ये बहुत ही पॉपुलर रहती है, अगर आप बायोडाइवर्सिटी पढ़ोगे तो वहाँ ये बहुत ज़्यादा काम की रहती है और बार बार वहाँ इससे प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। बार बार जो है मेरे प्यारे साथियों ये चर्चा में रहती है और आपसे बार बार जो है ये पूछी जाती है। तो आइए अब बात करते हैं। तो एक है खबरताल जो वेटलैंड बिहार में है और दूसरा है असन कंजर्वेशन जो उत्तराखंड में है। इन दोनों को रिसेंटली वेटलैंड में शामिल किया गया है। तो ये जो रामसर साइट है, आप जरा पूरी बात देख लेते हैं, 360 एस्पेक्ट इसका क्या क्या हो सकता है, कौन सी चीज़ आपसे पूछी जा सकती है। जो खबरताल है बेसिकली ये आप देखोगे, आल्सो नोन जिसे बोलते हैं कन्वर झील, इसे कन्वर झील के नाम से भी बड़ा फेमस है ये। और ये बेगूसराय में पाया जाता है, बिहार का जो बेगूसराय है वहाँ पर एक कन्वर झील है जिसका नाम जो है, जिसको अभी रिसेंटली इसमें रामसर साइट के अंदर इंडिया में शामिल किया गया है। तो ये प्रश्न यहाँ से बन सकता है कि रिसेंटली किसको शामिल किया गया है रामसर साइट में इंडिया में, तो एक अच्छा प्रश्न यहाँ से बन जाएगा आपके लिए। तो आपको याद रखना होगा कन्वर झील जो है इसकी लोकेशन है। इतना ही आपसे पूछ सकता है कौन से ये जिले में है, बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट पड़ता है और बिहार का है बेगूसराय, ये आपसे यहाँ पूछे जाने की पूरी संभावना है। सिग्निफिकेंस और खबरताल के बारे में, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, इट इज एक्ट वाइटल फ्लड जो है बफर है। अब इसमें बफर है तो मीनिंग समझ लो, यहाँ पर जो है बेसिकली आप देखोगे कि बाढ़ की से चीज़ें रहती हैं, पानी यहाँ पर भरा रहता है, ठीक है। ये लोगों के लिए मछली पकड़ने का काफ़ी लाइवलीहुड का एक साधन है, वहाँ पर जो लोग मछली वगैरह पकड़ते हैं बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ पर जो है ये एक बहुत बड़ा वहाँ का एक जो है उस जगह पर जो है लोगों के लाइवलीहुड का एक स्थान बना हुआ है। अब प्रश्न यहाँ से क्या क्या बन सकता है, जितने ही वेटलैंड होते हैं जनरली, उन वेटलैंड में जनरली लोग मछली उत्पादन का कार्य करते हैं, ऐसे कार्यों को किया करते हैं, तो वेटलैंड बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं अगर वैसे देखोगे इकोलॉजिकल रूप से, तो ये भी एक उसमें से इंपॉर्टेंट है। तो ये आप देख सकते हैं, इसमें सारी के सारे इंडियन वल्चर वगैरह यहाँ पर पाए जाते हैं, या महत्वपूर्ण बाढ़ बफर के रूप में कार्य करते हैं, ठीक है। वेटलैंड के बारे में आपको बताया रहा है क्यों बाढ़ बफर के रूप में काम करते हैं, यहाँ पर पानी वानी ज़्यादा जमा रहता है, वेटलैंड है इसीलिए ये जनरली ऐसे स्थानीय समुदाय के लोग आजीविका का अवसर प्रदान करते हैं, जो लोकल लोग होते हैं उनके लिए बहुत बेनिफिटेड होते हैं वो मछली, मैंने आपसे कहा ऐसी चीज़ों को उसमें उत्पादन वगैरह कर लेते हैं, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है, ठीक है, ये आप याद रखेंगे। तो चलिए भाई असन कंजर्वेशन के बारे में बात करते हैं। असन कंजर्वेशन जो है ये सेकंड वेटलैंड है जिसको रामसर साइट के अंदर शामिल किया गया है। असन कंजर्वेशन जो है ये उत्तराखंड में और इसकी लोकेशन जो है असन रिवर जो देखोगे और यमुना रिवर जो है, इन दोनों के जो है ये दोनों जहाँ मिलती हैं वहाँ इसकी मेरे प्यारे साथियों लोकेशन आपको देखने के लिए मिलेगी। और ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड जो जातियाँ होती हैं, क्रिटिकली इंडेंजर्ड का मीनिंग होता है कि आप प्रजातियों के बारे में पढ़ोगे तो IUCN की जो लिस्ट आती है, IUCN की लिस्ट में अगर आप देखोगे देखोगे तो उसमें इंडेंजर्ड होती हैं, एक होती है क्रिटिकली इंडेंजर्ड होती हैं। तो क्रिटिकली इंडेंजर्ड जो होती हैं वो और ज़्यादा ऐसी होती हैं जो है एक प्रकार से विलुप्त होने वाली होती हैं। ऐसी जातियाँ जो है पशुओं की, पक्षियों की, पेड़ों की यहाँ पर पाई जाती हैं असन कंजर्वेशन के अंदर। इसमें से रेड हेडेड वल्चर हो गया, मीनिंग क्या है, गिद्ध के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। ऐसी चीज़ें जो है यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेंगी। उत्तराखंड में असन रिवर का जो असन का नदी है और यमुना नदी का जो एक प्रकार से यहाँ जो है उसमें यहाँ पर ये बनाया गया है, तो ये जो है काफ़ी फेमस हो जाता है, ये भी आपको याद रखना होगा। यहाँ पर इस तरह उत्तराखंड में यमुना नदी के साथ आसन नदी के संगम पर, ये आपको याद रखना है। गंभीर रूप से लुप्त प्राय, अब ये आप बात करोगे तो यमुना जो है ये वाली यमुना नदी नहीं है, ठीक है, ये किसी की सब्सिडरी है, उसके बारे में बात की जा रही है। तो ये गंभीर रूप से लुप्तप्राय, ये लाल गिद्ध हो गया, सफ़ेद हो गया, ये सारी चीज़ें वहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेंगी मेरे प्यारे साथियों। रामसर साइट, अब रामसर साइट क्या होती है, क्योंकि ये जो है मेन मुद्दा है, रामसर साइट एक्चुअली होती क्या है। तो मैंने आपसे कहा 1971 में ऐसी जगह जहाँ पर पानी ज़्यादा इकट्ठा होता है उसे आप क्या बोलते हैं, उसे आप रामसर साइट के नाम से बोलते हैं। ईरान में एक जगह सिटी है रामसर, वहाँ पर एक कन्वेंशन हुआ था, दुनिया के सारे देशों ने मिलकर एक बैठक की और कहा कि भैया हमें क्या करना है कि जो वेटलैंड है उनकी सुरक्षा करनी है, उसको लेकर 1971 में बैठक हुई थी। उसे ही आप जो है रामसर साइट के नाम से, उन्हीं जो जगहों को रामसर साइट बना गया। इंडिया इसमें शामिल हुआ था 1987 में, 1982 में इंडिया जो है 1982 में इसके अंदर शामिल हो गया था। और तब से भारत के अंदर बार बार जो होती है जगहों को रामसर साइट घोषित किया जाता है। जैसे उसे रामसर साइट घोषित किया जाता है उस जगह की इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है और उस वेटलैंड का कंजर्वेशन शुरू हो जाता है। वैसे तो जनरली आप देखोगे कि जहाँ पानी भरा हुआ है, जो झील टाइप की जगह, उसको कुछ अलग तरीके से लोग यूज़ करते हैं, लेकिन रामसर साइट में आने के बाद उसका इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस हो जाता है और वहाँ पर जनरली ऐसी जातियाँ देखने के लिए मिलती हैं जो IUCN वगैरह के अंदर होती हैं। तो इस पॉइंट को आप याद रखोगे मेरे प्यारे साथियों। तो इंडिया इसके अंदर आया 1982 में, जो है इस वेटलैंड के अंदर इंडिया शामिल हुआ। अब यहाँ पर फोटो आपको नहीं दिखाई दे रहा है, वैसे हमने बोला तो था, ठीक है। वेटलैंड विचार जो है, जो ऐसे वेटलैंड होते हैं जो इंटरनेशनली बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, उनको जो है आप देखोगे रामसर साइट के अंदर कर रखा जाता है मेरे प्यारे साथियों, ठीक है। ये पॉइंट आपको यहाँ पर याद रखना था। पर्पज क्या है, वेटलैंड में अंतर्राष्ट्रीय महत्व के रामसर साइट में रखा जाता है। पर्पज क्या है इसका, पर्पज है कन्वेंशन क्यों साइन हुआ था, स्थानीय और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से आर्द्र भूमि के संरक्षण के लिए। तो ये आर्द्र भूमि होती है जो वेटलैंड होते हैं, इनके संरक्षण के लिए इसको जो है साइन किया गया था, ठीक है। ये पॉइंट आप याद रखोगे। ये मॉन्टेग्यू रिकॉर्ड के बारे में है, अंतर्राष्ट्रीय महत्व के सभी वेटलैंड की सूची में वेटलैंड साइटों का पंजीकरण जहां परिस्थिति की चरित्र परिवर्तन हुआ है। अब जितनी भी इसकी साइट्स होती हैं, ठीक है, जितनी भी इसकी साइट होती हैं या रामसर साइट्स आप देखते हैं जो कन्वेंशन के अकॉर्डिंग, जो साइन होने के अकॉर्डिंग जहाँ जहाँ बनाई जाती हैं, उनको सबको आपको ये मॉन्टेग्यू रिकॉर्ड जो होता है इसके अंदर आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। वो सारी की सारी सूची आपको यहाँ पर प्राप्त हो जाती है। चलिए अब आगे देखते हैं, ये कौन सा प्रश्न आ गया अब, यहाँ से क्वेश्चन आपके सामने है भैया, आपको उत्तर देना है, प्रश्न आपके सामने है। भारत ने पहला फ्लैश ब्लड जुड़ी मार्गदर्शन सेवाओं का प्रारंभ किया, इसने दक्षिण एशिया के कौन से देश शामिल नहीं है। इंडिया हैज़ लॉन्च्ड फर्स्ट काइंड ऑफ फ्लैश ब्लड गाइडेंस सर्विस फॉर इंडिया एंड अदर साउथ एशियन कंट्री विच डज नॉट इंक्लूड। आपको बताना है कि रिसेंटली फ्लैश ब्लड गाइडेंस जो होती हैं, जो फ्लड आता है उस फ्लड की गाइडेंस को लेकर एक मैकेनिज्म की शुरुआत की गई है, सर्विस फॉर साउथ एशिया। इसमें साउथ एशिया का कौन सा देश शामिल नहीं है, आपको ये बताना है। भारत ने पहला फ्लैश फ्लड, अब मैं बताऊंगा ये फ्लैश फ्लड होता क्या है, बेसिकली आपको बताना है कौन सा कंट्री शामिल नहीं है। तो देखो बांग्लादेश शामिल है, भूटान शामिल है, श्रीलंका शामिल है, मालदीव शामिल नहीं है। एक्चुअली क्या होता है कि जब फ्लड आता है तो कभी कभी फ्लड जो होता है अकस्मात आ जाता है, कई प्रकार का फ्लड होता है। अब कई प्रकार का फ्लड होता है तो फ्लड को लेकर जो है उसकी अर्ली वार्निंग दी जा सके, इसको लेकर इंडिया ने क्या किया है कि जो साउथ एशिया है, इंडिया ने साउथ एशिया में एक मैकेनिज्म की शुरुआत की है जिसमें 2-3 कंट्री शामिल हुए हैं, जिसमें एक कंट्री इनमें से नहीं है और वो मालदीव कंट्री नहीं है। अब बात करते हैं कि फ्लैश फ्लड होती क्या है, इसके बारे में इस टॉपिक को आप प्रॉपर्ली जान पाओगे। रिसेंट डेवलपमेंट क्या है, चर्चा में क्या चल रहा है। इंडिया हैज़ लॉन्च फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड ऑफ फ्लैश फ्लड गाइडेंस सर्विस फॉर इंडिया एंड अदर साउथ एशियन कंट्री। इंडिया ने रिसेंटली अभी हाल ही में क्या गाइडेंस शुरू की है, फ्लैश फ्लड को लेकर जो है रिसेंट कुछ गाइडलाइंस शुरू की हैं, ठीक है। तो देखो इसमें है बांग्लादेश है, भूटान है, नेपाल है, श्रीलंका है, अंडर दिस IMD, ठीक है। मैं बताऊंगा कि हमारा ये जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है उसने इसकी शुरुआत की है। बेसिकली इसमें होगा क्या कि जैसे फ्लड आने की संभावना दिखेगी कि फ्लड आ सकती है, मैन मेड फ्लड आ सकती है या किसी नदी से फ्लड आ सकती है, उसके लिए अर्ली वार्निंग यहाँ इशू की जाएगी। इस मैकेनिज्म में ये सारे के सारे कंट्रीज शामिल हैं। इन सारे कंट्रीज के नाम आपसे पूछ सकता है। ये क्या करेगा, अंडर दिस IMD विल इश्यूज इम्पैक्ट बेस्ड फॉरकास्टिंग फॉर फ्लड। ठीक है, IMD जो है, अब IMD क्या है आप देख सकते हैं। IMD के बारे में इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, ये क्या करेगा, इस फ्लड को लेकर, जो भी फ्लड आने वाली है उसको लेकर अर्ली वार्निंग यहाँ पर इश्यू कर देगा। तो अर्ली वार्निंग का एक मैकेनिज्म बनाया गया है, इतनी सी बात है, उसके बारे में यहाँ बताया गया है। ठीक है, ये यहाँ पर आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पर देख लें, आपको सूचना मिल जाएगी क्या होती है फ्लैश फ्लड या आकस्मिक बाढ़। ठीक है, आकस्मिक बाढ़ भी इसे कहते हैं, अकस्मात जब बाढ़ आती है उसके लिए यहाँ पर चीज़ें हैं। तीव्र उफान, अल्प अवधि के साथ अचानक आने वाली बाढ़, ऐसी कोई बाढ़ जैसे कि समुद्र में तीव्र उफान आ गया, किसी नदी में उफान आ गया, उससे अकस्मात बाढ़ आ गई। ठीक है, उस बाढ़ की जो कैटेगरी होती है उसे आप फ्लश फ्लड में रखते हो कि भैया ऐसी जो कैटेगरी है उसको भी आकस्मिक बाढ़ में रखते हो। बादल फटना हो गया, कोई नदी का बांध टूट गया, उससे कोई फ्लड आ गई, उससे कोई जो है आपने देखा उससे क्या हुआ, उससे कोई बाढ़ आ गई, ऐसी बाढ़ को भी हम लोग क्या करते हैं, आकस्मिक बाढ़ के अंदर रखते हैं। ये वाला पॉइंट भी आपको याद रखना होगा। पहाड़ों से अत्यधिक बरसात हो गई, पहाड़ों पे बादल फट गए, उससे फ्लड आ गई, आपने पहले देखा होगा उत्तराखंड वगैरह में। ठीक है, ऐसी फ्लड आने को देखने को मिलती है। बिहार में आप देखोगे नदियों के बांध टूट जाते हैं, उससे फ्लड देखने को मिलती है। इन सारी चीज़ों को लेकर, यह सीमित क्षेत्र में अचानक बहुत ज़्यादा बारिश हो जाने पर, ठीक है, बहुत ज़्यादा बारिश हो जाएगी सीमित क्षेत्र में, तो पानी ज़्यादा आ जाएगा, उससे क्या फ्लड आने को देखने को मिलेगी। तो जनरली ये जो फ्लड होती है, ऐसी फ्लड को लेकर, अर्ली वार्निंग को लेकर इंडिया ने एक मैकेनिज्म बनाया साउथ एशिया के देशों के साथ। उसमें जो कंट्री शामिल हैं, भूटान है, नेपाल है, श्रीलंका है, इंडिया है, इन सब ने मिलकर बनाया। ये प्रश्न था, यही आपसे पूछा जा सकता है। इसको काम कौन सा करेगा, इसको डिजाइन किया गया IMD द्वारा, और IMD क्या है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के द्वारा। ये क्या करेगा, रियल टाइम सपोर्ट प्रोवाइड करेगा इसके लिए, और अर्ली वार्निंग इशू करेगा। ये पॉइंट आपको यहाँ पर याद रखना है। 6 से लेकर 12 घंटे तक का एडवांस जो है नोटिफिकेशन, एडवांस जो है लोगों को वार्निंग इसके बारे में दे दी जाएगी। ये एक मैकेनिज्म है, ये आपको यहाँ पर याद रखना है। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, अभी रिसेंटली न्यूज़ आई है, कल आपने अखबार में पढ़ा होगा कि इंडिया का जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो अब तक सबसे ज़्यादा हो गया है, मतलब बहुत ज़्यादा बढ़ गया है इंडिया का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। ये आपने न्यूज़ सुनी होगी। तो प्रश्न आपके सामने है कि इंडियन फॉरेक्स रिजर्व, विदेशी मुद्रा भंडार इंक्लूड, उसमें कौन सी चीज़ें शामिल होती हैं। जो इंडिया का विदेशी मुद्रा भंडार इतना ज़्यादा बढ़ गया है, तो उसके अंदर कौन सी चीज़ें शामिल हैं, फिर हम बात करेंगे कि विदेशी मुद्रा भंडार होता क्या है, उस पर कौन से पॉइंट हैं। देखो, फॉरेन करेंसी असेट और गोल्ड, बिल्कुल ठीक बात है, 100% सही है। स्पेशल ड्राइंग डॉट, जिसे आप SDR के नाम से बोलते हैं कि SDR, ये भी इसके अंदर शामिल होते हैं, 100% सही है। रिजर्व पोजीशन विद द IMF, ये भी सही है कि IMF के साथ जो रिजर्व मनी होता है वो भी इसके अंदर शामिल होता है, हालांकि SDR भी IMF में होता है। तो ऑल ऑफ दी एबव जो है सही है। अब आपसे प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि इंडिया का विदेशी मुद्रा भंडार सबसे ज़्यादा हो गया, ये कभी नहीं पूछता है कि कितना हो गया, क्योंकि विदेशी मुद्रा भंडार ज़्यादा हो गया तो उसके कंपोनेंट पूछे जाते हैं, किस मात्रा में ज़्यादा हो गया, किस मात्रा में कम हो गया। तो आइए अपन बात करते हैं, रिसेंट न्यूज़ क्या कह रही है। रिसेंट न्यूज़ बोल रही है भैया कि इंडिया का जो फॉरेन रिजर्व है, हाल ही के विकास में बताया जा रहा है कि वो अब तक सबसे ज़्यादा हो गया है। अगर डॉलर में देखोगे तो 5.12 बिलियन जो है, ये इतना इंडिया का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व पहुंच गया है, और ये अब तक का जो है सबसे ज़्यादा है। मतलब भारत के पास जो विदेशी मुद्रा है उसका जो भंडार है वो इस लेवल पर जाके पहुंच गया है। अब आपसे पूछा जा सकता है कि इस जो पैसे की आप बात कर रहे हो कि इतना $, तक की हमने जो बात की कि 555.12 बिलियन $तक जो हमारा पहुंच गया है, इसके अंदर कौन सी चीज़ें शामिल होती हैं और ये किस वजह से पहुंच गया है मेरे प्यारे साथियों। तो देखो, किसी भी कंट्री के पास फॉरेन रिजर्व है, जैसे हमारा कंट्री है, तो उसके कुछ कंपोनेंट होते हैं। अब वो कंपोनेंट से मैंने आपके लिए प्रश्न पूछा, एक तो होती है, अब वो कंपोनेंट क्या क्या होते हैं, फॉरेन रिजर्व में क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं, इस पर जरा एक बार आप बात कर लेते हैं, कौन सी चीज़ें शामिल होती हैं। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में अगर आप देखोगे तो आपको इतने असेट्स देखने के लिए मिलेंगे। इंडियन फॉरेक्स रिजर्व इंक्लूड, क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं। पहला, फॉरेन करेंसी असेट। फॉरेन करेंसी का मीनिंग ऐसी करेंसी जो इंटरनेशनली एडप्टेबल है, इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल है। दूसरी चीज़, जो एक बास्केट के अंदर शामिल है, उन्हें आप बोलते हैं ऐसी करेंसीज जो हमेशा जो स्वैप हो सकती हैं, उनको आप जो है इसके अंदर शामिल रखते हैं फॉरेन करेंसी असेट। जैसे डॉलर है, तो US जो डॉलर है इसको हमेशा ये माना जाता है कि सबसे ज़्यादा मतलब ऐसी वो करेंसी है सबसे ट्रस्टवर्दी है, ठीक है। तो उसको इसके अंदर शामिल किया गया है। तो ऐसा जो असेट हो गया फॉरेन करेंसी, जो डॉलर हो गया, डॉलर हमारे पास कितना ज़्यादा है, तो अगर मान के चलिए कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व 100% है, तो इस 100% में से ऐसे ऐसे करके इसको बांट देते हैं। एक क्या हो गया, फॉरेन करेंसी असेट हो गया, जैसे डॉलर मैंने बोला, ये आपके पास कितना है। अब ये कहाँ काम आते हैं बताऊँगा। सेकेंड हो गया गोल्ड, सोना, आपके पास सोना कितना है। तीसरी हम बात करते हैं SDR। अगर SDR आपने पढ़ा होगा, इसे बोलते हैं स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स। IMF में अगर आपने SDR के बारे में पढ़ा होगा, IMF में आपने उधर रखो थोड़ा सा, SDR में आपने इधर से, SDR में आपने IMF के बारे में पढ़ा होगा। तो एक्चुअली SDR क्या होता है, स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स होते हैं। ये बेसिकली क्या होते हैं, IMF के साथ रिजर्व होते हैं। इसके बारे में आपको पूरी चीज़ बताता हूँ। जो IMF है, IMF ने इसकी शुरुआत की और किया क्या कि जो भी कंट्रीज़ हैं वो कंट्रीज़ क्या करते हैं, IMF के जो कंट्रीज़ हैं वो कंट्रीज़ अपना जो मतलब बेसिकली अपना एक हिस्सा IMF में जमा कराते हैं, और जमा करा के उसका एक क्या होता है, एक टोटली IMF के पास एक जो है एक बैंक जैसा बन जाता है, उसमें सबका पैसा जमा होता है, हर कंट्री का जो है पैसा उसके अंदर जमा होता है। अब जिस जैसे इंडिया है, तो इंडिया का इसमें जो भी हिस्सा उसमें IMF में SDR में जमा है बेसिकली, वो ये समझ के चलिए उसी को लेकर IMF जो है वो लोन कंट्री को प्रोवाइड करता है। जैसे कि IMF के पास जो फंड होता है, जैसे IMF का 100% फंड है। अब इस फंड में इंडिया ने मान लो 5 रुपये दिए, US ने मान लो 20 रुपये दिए, चाइना ने मान 10 रुपये दिए, तो 100 रुपये का फंड तैयार हो गया। अब ये 100 रुपये का जो फंड तैयार हुआ है, इसी फंड में से IMF क्या करता है, कंट्रीज को लोन प्रोवाइड करता है। तो IMF में 2 प्रकार के पैसे लगे होते हैं, एक तो SDR का फंड होता है, ये अलग चीज़ होती है, और दूसरा अगर आपने सुना होगा जिसे बोलते हैं पोजीशन विद IMF, ये अलग चीज है। ये IMF में अलग पैसा होता है। अगर IMF आपका मेंबर बन रहे हो आप, तो IMF का मेंबर बनने के साथ आपका एक फिक्स परसेंटेज हो जाता है या एक हिस्सा हो जाता है जो आपको IMF के साथ जमा करना पड़ता है। ये भी अलग एक फंड होता है, और SDR जो होता है ये अलग होता है। SDR जनरली IMF क्या करता है, SDR से IMF जो लोन वगैरह होती हैं, शॉर्ट टर्म लोन जो कंट्रीज को प्रोवाइड करनी होती हैं, वो SDR से IMF प्रोवाइड करता है। तो जो पैसा SDR में जमा होता है, किसी भी कंट्री का IMF में जमा होता है SDR के रूप में, उसको भी हम क्या करते हैं, फॉरेन असेट के रूप में लेते हैं कि वो जो पैसा हमारा जमा है। अब यहाँ पर देखोगे तो SDR में जो पैसा जमा होता है, ये मात्र 5 प्रकार की मुद्राएं, मतलब 5 करेंसीज हैं जिसमें आप SDR में पैसा जमा कर सकते हो IMF में। अगर 5 करेंसी की बात करो तो नंबर 1 करेंसी आपकी आती है डॉलर, क्योंकि डॉलर जो है उसको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। जापानी येन यहाँ पर आती है, आप यहाँ पर देखोगे यूरो आपको यहाँ देखने के लिए मिलेगा, यूरो का भी यहाँ बहुत महत्वपूर्ण है। चाइनीज़ करेंसी जो है वो भी आपको देखने के लिए मिलेगी यहाँ पर। तो इन 4-5 करेंसी हैं, 5 करेंसीज हैं जनरली टोटल, उन 5 करेंसी के रूप में यहाँ पर पैसा जो है आप जमा करते हैं। तो डॉलर मैंने बताया, येन मैंने बताया, इसके बाद आप कहोगे तो आप यूरो की बात कर सकते हैं, यूरो भी यहाँ पर शामिल है, ठीक है। चाइनीज़ करेंसी यहाँ पर शामिल है। तो ये सारी की सारी जो हैं आपको यहाँ देखने के लिए मिलेंगी। एक बार जरा यूट्यूब चलाओ, यूट्यूब का वो दिखाओ, मतलब बच्चों एक कमेंट नहीं दिख रहा है मुझे, कुछ भी चल भी रहा है ना, क्लास नहीं चल रहा है, यूट्यूब का लिंक नहीं मिला है, क्लास चल रहा है ना, ठीक है, क्लास चलने दीजिए। तो इस प्रकार से जो है इसको आप SDR के रूप में जानते हैं। अब रिजर्व पोजिशन विद IMF, अब IMF के साथ आपके जो रिजर्व पोजिशन है वो भी, जो पैसा जमा होता है उसको भी आप जो है आप फॉरेन एक्सचेंज के रूप में लेते हैं कि जो फॉरेन में आपका असेट है उसके रूप में आपको लेते हैं। तो ये जो है ये 4 जो है मेनली आपको देखोगे, ये जो 4 आपको है, इन 4 की जो पूरा जो एक बास्केट जैसी होती है, वो किसी कंट्री के पास अगर कितना है उसी के बेस पे आप मानते हो कि इस कंट्री के साथ जो है फॉरेन रिजर्व जो है इतना है। इसी को लेकर इंडिया का इतना ज़्यादा बढ़ गया ये, तो इसी को लेकर जो है अभी रिसेंटली बातचीत देखने को मिली है, यही अभी चर्चा में था। तो ये 360 में आपको मैंने बता दिया। की पॉइंट में मोस्ट फॉरेन रिजर्व देखो US डॉलर मैंने बता ही दिया था आपको, भी सारी की सारी चीज़ें समझा दी है मैंने आपको। व्हाट इज़ फॉरेन करेंसी असेट, असेट दैट आर वैल्यूड बेस्ड ऑन द करेंसी अदर देन द कंट्रीज ओन करेंसी। अब मीनिंग क्या कि आपकी जो देश की, जैसे भारत में रुपया है, अब भाई भारत में पैसा है तो भारत में पैसा कितना है वो दूसरी चीज़ है, लेकिन अब उनका पैसा हमारे पास कितना है, क्योंकि इंडिया के पास अगर अपना पैसा है तो वो दूसरी चीज़ है, लेकिन जो विदेशी जो मैंने बताया फॉरेन एसेट के रूप में वो कितना आपके पास है, क्योंकि अगर कल कोई दिक्कत आती है तो उसी का इंपॉर्टेंस सबसे ज़्यादा होता है। जो यूनिवर्सली एडेप्टेबल है, यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल है, इंडिया का रुपया थोड़ा हर जगह एक्सेप्टेबल है, तो ये बात आपको समझनी है, इसीलिए इसका इंपॉर्टेंस होता है। कभी भी किसी कंट्री को अपनी साख बचाने के लिए, कभी भी किसी कंट्री को बहुत सारे गेम खेलने के लिए ये काम आता है और बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, ये आपको याद रखना होगा। चलिए, रिसेंटली इंडिया हैज अज्यूम द चेयरमैनशिप ऑफ द गवर्निंग बॉडी विच यूएन ऑर्गेनाइजेशन। हाल ही में भारत ने किस संगठन की अध्यक्षता प्राप्त की है, आपको बताना है कि हाल ही में भारत ने किस संगठन की अध्यक्षता प्राप्त की है। रिसेंटली इंडिया ने किस संगठन की अध्यक्षता जो है प्राप्त की है, सिक्योरिटी काउंसिल की, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की, जनरल असेंबली की, किसकी? देखो ये तो आपको पता ही है कि जनरल असेंबली का तो इंडिया भाई है ही है सारी चीज़ों को लेकर। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इस चीज़ की अभी इंडिया ने रिसेंटली चेयरमैनशिप जो है ये हासिल की है, ये आप देख सकते हैं, इसकी अध्यक्षता रिसेंटली इंडिया ने की है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जिसे आप बोलते हैं ILO। अगर आप चर्चा में देखोगे तो चर्चा में क्या है, ये इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का आपका लोगो दिखाई दे रहा है। रीसेंट डेवलपमेंट, रिसेंटली इंडिया हैज अज्यूम द चेयरमैनशिप ऑफ गवर्निंग बॉडी ऑफ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। रिसेंटली इंडिया ने क्या किया है कि जो ILO है इसकी चेयरमैनशिप इंडिया को मिली है, ILO की चेयरमैनशिप जो है ये भारत को मिली है। लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट सेक्रेटरी जिनका नाम था अपूर्वा चंद्रा, इनको क्या बनाया गया है, चेयरपर्सन बनाया गया ILO का 2020 से लेके 2021 के दौरान। मेरे प्यारे साथियों ये प्रश्न अच्छा है, यहाँ से बन सकता है, ठीक है। अपूर्वा चंद्रा को बनाया गया ILO का चेयरमैन, जो 2020 से 21 तक के लिए चेयरमैनशिप करेंगी। अक्टूबर से, मतलब इसी महीने से, अक्टूबर से लेके जून 2021 तक जो है इसकी चेयरमैनशिप जो है इंडिया के पास रहेगी, ये आपको यहाँ पर याद रखना होगा। ये गवर्निंग बॉडी है। ILO के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, फंक्शनिंग ऑफ द ILO, ये ILO को लेकर क्या क्या चीज़ें डिसाइड करेंगी, इस सब के बारे में बताया गया है। थोड़ा सा आप समझ लें ILO के बारे में, पहले मैं ILO को बता देता हूँ। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जिसे आप ILO के नाम से जानते हैं, इसकी स्थापना की गई थी 1940 में। इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा, स्विट्जरलैंड में, ठीक है। ये लेबर इश्यूज़ को टैकल करती है, जितने भी दुनिया में लेबर इश्यूज़ आते हैं उनको टैकल करने का जो कार्य होता है ये पूरी की पूरी ILO इस चीज़ को देख रही होती है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं ग्लोबल हंगर इंडेक्स की, GHI, बड़ी फेमस है, हमेशा यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना रहती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स आपको पूछना ही आ रहा है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स इज पब्लिश्ड बाई, वैश्विक भूख सूचकांक किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सी बॉडी है जो वैश्विक भूख सूचकांक को प्रकाशित करती है, कौन इसको प्रकाशित करता है। कंसर्न वर्ल्ड वाइड बिल्कुल ठीक है, और सेकेंड है, ये क्या हो गया, ठीक है, कंसर्न वर्ल्ड वाइड ये बिल्कुल ठीक है, पहली बॉडी ये है। और दूसरी बॉडी की अगर बात करोगे तो आपके सामने है वेल्थ हंगर लाइफ, ठीक है। ये भी क्या करती है, ये दोनों मिला के A and B जो है ये दोनों मिला के इसको क्या करती हैं, पब्लिश करती हैं मेरे साथियों। आइए ज़रा बात करते हैं यहाँ पर ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो मैंने कहा GHI, कौन कौन पब्लिश करता है, कंसर्न वर्ल्ड वाइड और ये क्या है, ये आपके सामने है बेल्ट हंगर लाइफ, ठीक है। अगर दोनों के बारे में देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं और क्या क्या ये पब्लिश करती हैं। रिसेंटली इंडिया का स्थान कौन सा है इसमें, पूरी की पूरी बात करते हैं, ठीक है। इसका पर्पज़ क्या है आइए देखते हैं यहाँ पर, फिर मैं आपको समझाता हूँ। पहले यहाँ देख लीजिए, इंडिया की रैंक जो है 94 है, क्योंकि प्रश्न सीधा सीधा आपको यहाँ से बनेगा कि इसमें भारत का स्थान कौन सा है। इंडिया की जो रैंकिंग है इसमें 94 में है, मतलब 94वां स्थान है भारत का, और जो टोटल कंट्रीज़ है वो है 107 कंट्रीज़ में भारत का स्थान वो जो है वो 94 है। अब कैटेगरी अगर देखोगे तो 27.2 के साथ इंडिया की कैटेगरी क्या है, सीरियस है। अब आपकी समझ में ये नहीं आया होगा कि सर ऐसे क्या कहेंगे। बेसिकली क्या होता है कि जो हंगर इंडेक्स आती है इसको कई सारे पैरामीटर में बांटते हैं, तो पहला पैरामीटर 9 तक होता है, उसके बाद जहाँ जहाँ इसका नंबर बढ़ने लग गया, जैसे 9 के बाद देखोगे तो 9.9 होता है, उसके बाद 10 से दूसरा पैरामीटर शुरू होता है। तो जैसे जैसे आपका जो स्कोर है वो इसके अंदर बढ़ेगा, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में बढ़ेगा GHI में, उस कंट्री की हालत उतनी ज़्यादा ख़राब होती है। मीनिंग क्या हुआ कि स्कोर अगर इंडिया का 27.2 है और 27.2 वाली जो कैटेगरी है अगर आप देखोगे तो ये सीरियस कैटेगरी में आती है, ठीक है। ये जो सबसे, मतलब इसकी कोई चिंता की बात नहीं है, 10 से लेके फिर 20 तक कोई चिंता की बात नहीं है, ऐसी इसकी कैटेगरीज बनती चली जाती हैं। आप यहाँ पर देख लें, आपको ये कैटेगरी समझाई गई थी। ये लो देखो 0 से 9.9, मतलब इनके यहाँ पर जो है कोई दिक्कत नहीं है, इनको कोई भूख आपकी परेशानी नहीं है, तो ये कैटेगरी सबसे सेफ होती है। सेकंड नंबर पे देखोगे, इसे आप बोलते हैं मॉडरेट। तो मॉडरेट जो कैटेगरी है वो 10 से लेकर ये 19.9 तक होती है, तो ये मॉडरेट है। इसके बाद जो कैटेगरी आती है उसे आप सीरियस कहते हैं। अब सीरियस कहते हैं तो ये सीरियस कैटेगरी है। मैंने क्या कहा, स्कोर जैसे जैसे बढ़ेगा ऐसे ऐसे GHI में आपकी हालत खराब होती है, तो इसे सीरियस कैटेगरी कहते हैं। अब सीरियस कैटेगरी में इंडिया का स्कोर 27 है समथिंग, तो जो इंडिया का स्कोर है वो सीरियस कैटेगरी में इंडिया को लेकर जाता है। अगर इससे नीचे जाओगे तो इंडिया किस में चला जाएगा, अलार्मिंग कंट्री में चला जाएगा। अलार्मिंग मतलब कि भैया हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, बहुत ज़्यादा कंट्री अफ्रीका के चार्ट वगैरह जो अलार्मिंग में आते हैं, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा खराब कंडीशन होती है, इस तक इसको रखा जाता है अगर 35 से अब कोई कंट्री जा रहा है तो इंडिया का स्थान इसमें यही है। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि भैया बताओ इंडिया कौन सी कैटेगरी में, इंडिया का कितना स्कोर है और इंडिया जो है ये कितनी रैंकिंग लेता है, ये आपसे यहाँ पर पूछा जा सकता है। अब आइए बात करते हैं इसको किसके आधार पर मेज़र करते हैं, कौन से इसके पैरामीटर्स होते हैं। तो ये को यूज़ 4 पैरामीटर, 4 पैरामीटर के आधार पर इसको मेज़र किया जाता है। पहला कि आधा पेट खाना, मतलब जो है अंडर नरिश्ड आपको अगर खाना मिल रहा है, कितना खाना मिल रहा है, खाने की मात्रा कितनी है। सेकंड है चाइल्ड होस्टिंग के आधार पर, 40 टन के बाल मृत्यु दर के आधार पर, चाइल्ड मोर्टेलिटी के आधार पर, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनके आधार पर जो है इसको नापा जाता है कि बच्चों का खाना कैसा मिल रहा है, बच्चों की वृद्धि कैसी हो रही है। इन सब चीज़ों के आधार पर जो है ये ग्लोबल हंगर इंडेक्स को नापा जाता है कि भैया इनके यहाँ पर भूख की सिचुएसन क्या है, ठीक है, और इसको स्केल किया जाता है 0 से लेकर 100 के बीच में, ठीक है, ये आप समझ लें। 0 का मतलब है नो हंगर, अगर 0 है तो कोई भूख नहीं है, अगर 100 है तो उनके यहाँ जो है मैक्सिमम हंगर उसको देखने के लिए मिलती है। तो आपको एक बात याद रखनी होगी कि GHI में जैसे स्कोर बढ़ेगा कंट्री की हालत जो है उसी अकॉर्डिंग खराब देखने के लिए मिलेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं भैया। Which of the following countries are going to deal with the Israel after UAE in Bahrain? मैंने आपको कुछ समय पहले लॉकडाउन, मतलब कुछ समय पहले आप जब मेरी क्लास चल रही थी उससे मैंने आपको पढ़ाया था कि आपको मैंने बताया था कि इजराइल के साथ जो है उस समय बहरीन का समझौता हुआ था, उससे पहले UAE का समझौता हुआ था। अभी रिसेंटली एक अफ्रीकन कंट्री है जिसका समझौता हुआ है इजराइल के साथ, तो ये बात अभी चर्चा में चल रही है। अब मैं इसके बारे में बात करूंगा, मैं इसको एक बार पहले भी पढ़ा चुका हूं आपको, और मैंने आपको अरब वॉर भी पढ़ाया होगा 1967 का, मैंने आपको इजराइल और फिलिस्तीन का मुद्दा भी पढ़ाया होगा, क्या दोनों का मुद्दा है। उसके बाद मैंने आपको बताया होगा कि कंट्री इसमें शामिल हो रहे हैं, अमेरिका ने इन दोनों की डील कराई थी, ये सारी चीज़ें मैंने पहले पढ़ाई होंगी। एक बार यहाँ दोबारा आप देख लीजिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज आर गोइंग टू बी डील विद द इजराइल आफ्टर UAE इन बहरीन। अब तीसरा कंट्री कौन है, तो ये है सूडान। क्या कंट्री है, सूडान। मेरे प्यारे साथियों, सूडान का रिसेंटली एग्रीमेंट हुआ है इजराइल के साथ। अब ये बहुत बड़ी चर्चा की बात है, बहुत पुरानी चर्चा की बात है, तो आइए चला बात करते हैं इस पूरे डेवलपमेंट को लेकर। सूडान एंड इजराइल हैव एग्रीड टू नॉर्मलाइज रिलेशनशिप इन द US ब्लॉक डील विद, ठीक है, हॉस्टिलिटी। मतलब US ने क्या किया रिसेंटली, इजराइल और सूडान के बीच में जो हॉस्टिलिटी चल रही थी, जो दुश्मनी चल रही थी, उसको समाप्त करवा के, उसको नॉर्मलाइज करा के और इनकी एक डील करवा दी है मेरे प्यारे साथियों। एक्चुअली ये पूरा मुद्दा क्या है, पूरा मुद्दा ये है कि इजराइल को 1948 की बात है, 1948 से सूडान जो है इजराइल को बिल्कुल नहीं मानता था। सूडान जो था फिलिस्तीन और जो कंट्री हुआ करते थे, UAE हो गया और ये बहरीन हो गया, ये सारे कंट्री कभी भी इजराइल को महत्व नहीं देते थे, इजराइल को कंट्री मानते ही नहीं थे बेसिकली। इसी बात को लेकर 1967 में एक बड़ी लड़ाई हुई थी, जिस बड़ी 1967 में 1967 में जो बड़ी लड़ाई हुई थी 1967 में, चलो मैं आपको दिखा भी देता हूँ, पहले मैं आपको कहानी सुना रहा हूँ। उस बड़ी लड़ाई के दौरान इजराइल ने क्या किया, इन सारे कंट्रीज़ को हरा दिया था। तो 1967 में सूडान में एक बैठक हुई थी इन सारे कंट्रीज़ की जो इजराइल के खिलाफ थे, जो इजराइल को 3 मुद्दों पर घेरते थे। वो बोलते थे कि भैया हमें इजराइल जो है इसको कभी ज़िंदगी में सपोर्ट नहीं करना, उसको एज ए राष्ट्र के रूप में कभी मान्यता नहीं देनी है। 1967 में सूडान में इसकी बैठक हुई थी और ये कंट्री सब इसके खिलाफ थे, इजराइल के, UAE हो गया, बहरीन हो गया। उसके बाद इजराइल को लेकर अमेरिका बहुत सीरियस था और अमेरिका ने क्या किया, सूडान को कुछ समय के बाद एक ऐसी लिस्ट में डलवा दिया कि सूडान क्या करता है कि जो आतंकवादी संगठन है फिलिस्तीन के, उनको क्या है, हवा देता है, उन फिलिस्तीन के आतंकवादी संगठन को हवा देता है। और सूडान के ऊपर जो है यहाँ रिस्ट्रिक्शन इम्पोज करा दी अमेरिका ने। जब करवा दी तो उसके बाद अमेरिका की वजह से सूडान में इन्वेस्टमेंट बंद हो गया और सूडान में लोगों ने अपना इन्वेस्टमेंट नहीं किया, क्योंकि सूडान ऐसी लिस्ट में आ गया जो क्या करता है, जो टेररिज्म की फंडिंग करता है। इसी बात को लेकर सूडान की कंडीशन बड़ी ख़राब हो चुकी थी रिसेंटली। अभी सूडान सारी चीज़ों से परेशान था, तो अभी सूडान ने अमेरिका के साथ एग्रीमेंट किया कि भैया मुझे बचा लो। और इसी बात को लेकर अमेरिका ने सूडान को बोला कि तू इजराइल को मान्यता दे दे। और अब सूडान इजराइल को राष्ट्र के तौर पर मान्यता देने वाला है और उनकी डील साइन हो रही है। ये काम अमेरिका ने कराया है, जबकि इजराइल का बहुत बड़ा दुश्मन हुआ करता था सूडान। अब मैं ये कहानी आपको यहाँ फैक्ट फिगर में समझा देता हूँ कि ये कहानी कैसे कैसे है। सूडान वॉज एट द वॉर इजराइल सिंस 1948। मैंने आपसे कहा 1948 से ही सूडान की लड़ाई चल रही थी, किसके साथ? इजराइल के साथ, क्योंकि 1948 से ही वो इसके एग्जिस्टेंस को मानता नहीं था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद जब इजराइल को बनाया उसी समय से जो है इसको नहीं माना जाता था कि हमारा भैया कोई तुम्हारे साथ चक्कर नहीं है, हम तो बिल्कुल नहीं मानेंगे। उसी समय से इनकी लड़ाई चल रही थी। सूडान बिकम द थर्ड अरब कंट्री टू स्टार्ट अ डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप विद इजराइल लास्ट 2 मंथ। अब मैंने आपको बता दिया कि अब तो तीसरा कंट्री बन ही गया इजराइल के साथ संबंध बनाने वाला सूडान, क्योंकि पहले यूएई कर चुका, बहरीन कर चुका, इस काम को कर चुके हैं। अब तो है जो है साहब के सब इससे बात करने में लगे पड़े। आइए जरा भैया आगे देखते हैं, आगे मुद्दा क्या है। ये कन्फ्लिक्ट के बारे में बताया गया है, अरब इजराइल वॉर, ठीक है। अरब इजराइल वॉर के बारे में बता रखा है कि ये जो वॉर हुआ था, अरब इजराइल का मीनिंग है कि अरब और इजराइल के बीच में, अरब जो कंट्री है 1967 का ये वॉर है। और ये अरब के जो कंट्रीज़ हैं, जैसे मैंने आपसे कहा यूएई हो गया, ठीक है, मैंने आपसे कहा बहरीन हो गया, इन सारे कंट्री ने, उसमें सूडान हो गया, इन सारे कंट्री ने इजराइल के साथ मिलकर लड़ा था। लेकिन इजराइल ऐसा बच्चा है जिसने सबको हरा दिया था मेरे प्यारे साथियों। तो देखिए फिर यहाँ पर आपको बताया यार, ये सारी की सारी चीज़ें हैं। ये आप यहाँ मैप देख सकते हैं, ये इजिप्ट है, ये यहाँ पर गाजा स्ट्रिप है, ये पूरा इजराइल का जो है यही पूरी जगह है, ठीक है, जिसको लेकर पूरा विवाद चलता रहता है इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में, यही वो जगह है। ये कंट्री है सूडान, ठीक है, इस सूडान के साथ जो है अभी इसको मान्यता दे दी है। तो अब ये मामला पूरा नॉर्मलाइज यहाँ पर हो रहा है। इसके इतिहास के बारे में थोड़ी सी चीज़ें मैंने यहाँ पर डाल दी है, इजराइल की हिस्ट्री के बारे में, ठीक है, एनेक्सेशन के बारे में, ईस्ट जेरूसलम वगैरह वगैरह, ठीक है, ये जो है सारी चीज़ें आप देख लेंगे यहाँ पर। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और पॉइंट पे पहुँचते हैं। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, हिमालय में भूरा बालू को IUCN के कौन सी सूची में शामिल किया गया है? मतलब हिमालयन ब्राउन बियर, हिमालय के भूरे बालू को कौन सी IUCN की लिस्ट में अभी रिसेंटली शामिल किया गया है? तो इसको शामिल किया गया है इंडेंजर्ड में, अभी भूरे बालू को इंडेंजर्ड के अंदर शामिल किया गया है। आइए जरा फोकस करते हैं इसके ऊपर, जानते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें हुई हैं। भाई ये क्या हो गया, एक्सक्यूज मी, इसको ठीक करो भाई। कहाँ है यार ये, 1 सेकंड दोस्तों, 1 सेकंड, 1 सेकंड। टेक्निकल टीम अरे क्या हुआ, सही तो करो इसको जल्दी से, क्विक क्या हुआ, कहाँ से ठीक होगा? अभी मैं करता हूँ यहीं से, जल्दी बताओ। रिज्यूम स्लाइड्स हो, ठीक है, डन। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। देखो इसको शामिल किया गया इंडेंजर्ड में, अभी हिमालय का भालू, अभी से 2-3 चीजें, तो IUCN क्या होती है, दूसरा इंडेंजर्ड क्या होता है, इसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। रिसेंटली स्टडी ऑन द हिमालयन ब्राउन बियर्स हैज नोटिस सिग्निफिकेंट रिडक्शन इन सूटेबल हैबिटेट एंड बायोलॉजिकल कॉरिडोर। सीधा बताया गया कि हिमालय का जो भूरा भालू है गद्दन के जलवायु परिवर्तन के कारण उपयुक्त निवास और जैविक गलियारों में महत्वपूर्ण कमी देखी गई है। जो हिमालय का भूरा भालू है इसमें कमी देखने के लिए मिली है। तो IUCN जो इंटरनेशनल यूनियन फॉर जो है कंजर्वेशन ऑफ नेचर जो है IUCN की एक बुक आती है जिसे आप बोलते हैं रेड डाटा लिस्ट, ठीक है, एक लिस्ट है वेब सील। उसके अंदर क्या होता है कि IUCN उनको शामिल करता है जो ऐसी प्रजातियाँ हैं जैसे इंडेंजर्ड हो गई, क्रिटिकली इंडेंजर्ड हो गई, या जो विलुप्त हो चुकी हैं या विलुप्त होने वाली हैं, ऐसी प्रजातियों को शामिल करता है। तो रिसेंटली हिमालय के भूरे बालू को इंडेंजर्ड के अंदर उसमें शामिल किया गया है, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है, इसको शामिल किया गया है, रिसेंटली इसको शामिल किया गया है। ये उत्तराखंड में देखने को मिलता है, जम्मू कश्मीर में देखने को मिलता है, हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलता है, जहाँ पर बर्फ़ होती है जनरली वहाँ पर आपको देखने के लिए हमारे का भूरा भालू जो है ये आपको देखने के लिए मिलेगा। और इसको जो है माना गया है कि भाई इंडेंजर्ड है, ये विलुप्त होने वाला है। तो ये हिमालय का भालू को जो है आप इसे याद रख सकते हैं, आपको इसका फ़ोटो भी यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। ये है हिमालय का भूरा भालू। अगर आप कोई उत्तराखंड वगैरह घूमने जाओगे तो आपको देखने के लिए मिलेगा, इसको इंडेंजर्ड कैटेगरी के अंदर रखा गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट स्टार्टेड रेंट अ बाइक फैसिलिटी, निम्नलिखित में से किस राज्य के द्वारा किराए की गाड़ी की सुविधा की शुरुआत की गई है? ठीक है, बेसिकली क्या है, ये रेलवे के साथ एक टाई अप है, इंडियन रेलवे ने इसकी शुरुआत करवाई है कि आप यात्रा करें रेल से, उसके बाद आपको गाड़ी मिलेगी जो आपके गंतव्य स्थान तक आपको छोड़ देगी। तो निम्नलिखित में से कौन सा राज्य इसने शुरुआत की है? तो राज्य है केरला। सबसे पहले इसकी शुरुआत की गई केरला में इंडियन रेलवे के माध्यम से। यहाँ पर आप देखोगे रेंट अ बाइक फैसिलिटी स्टार्ट इन केरला, इसकी शुरुआत केरला में की है। इट इंट्रोड्यूस बाय इंडियन रेलवे, मैंने आपसे कहा इसको शुरू किया गया इंडियन रेलवे के द्वारा। इट वुड स्टार्टेड इन 15 की रेलवे स्टेशन, 15 रेलवे स्टेशनों पर से स्टार्ट किया जाएगा, लेकिन इसकी शुरुआत जो है केरला से हुई है। इसमें कुछ भी नहीं है, इतनी सी बेसिक बात है कि आप रेल से यात्रा कर रहे हैं, उसके बाद आपको किराए की बाइक मिलेगी जो आपको आपके गंतव्य स्थान तक पहुंचा देगी। इंडियन रेलवे का एक इनिशिएटिव है जो कि हर स्टेशन पर शुरुआत करने वाली है। शुरू में इसके 15 स्टेशनों को लिया जा रहा है, इतनी सी बात है। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या मिलेगा? एम टू इंश्योर लास्ट मील कनेक्टिविटी, कि आप जहाँ से आए वहाँ, मतलब जहाँ आप जाना चाहते हैं वहाँ पहुँच जाएं, आपको लास्ट मील की कनेक्टिविटी मिल जाए और आपके लिए किसी प्रकार की आपको दिक्कत ना आए, इसके लिए इसकी शुरुआत की गई है। किराए पर बाइक की सुविधा शुरू केरल में हुई है, इसे भारतीय द्वारा पेश किया गया है। इन सारी चीज़ों को यहाँ मैंने बता दिया है, आप इन चीज़ों को समझ सकते हैं। आगे देखेंगे, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने पाकिस्तान को निम्नलिखित में से किस सूची में किस पर रखने का फैसला लिया है? ठीक है, अभी रिसेंटली चर्चा में चल रहा है, कल का न्यूज़ था, कल पढ़ाना था, लेकिन आप समझ लीजिए। एक है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, ये क्या करती है, पूरे देश में जो कंट्रीज़ होती हैं, पूरी दुनिया में कोई कंट्री टेररिज्म को फंडिंग कर रहा है तो उसको लेकर इसकी लिस्ट होती है, एक ग्रे लिस्ट होती है, एक ब्लैक लिस्ट होती है। किसी कंट्री को ब्लैक लिस्टेड कर दिया, किसी कंट्री को ग्रे लिस्ट में डाल दिया। तो रिसेंटली पाकिस्तान को लेकर जो है इसने क्या एक्शन लिया है, या पाकिस्तान को किस सूची के अंदर रखने का फैसला लिया है? तो पाकिस्तान को सूची फैसला लिया है ग्रे लिस्ट के अंदर। पाकिस्तान का जो है उसको बोला है कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट के अंतर्गत रखेंगे। मेरे प्यारे साथियों, पाकिस्तान ब्लैक लिस्ट में नहीं है, उसे ग्रे लिस्ट में डाल दिया है। ग्रे लिस्ट जो होती है थोड़ी कम खतरनाक होती है ब्लैक लिस्ट से। आइए बात करते हैं, जानते हैं यहाँ पर द फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, जिसे आप FATF के नाम से जानते हैं, इसने डिसाइड किया है कि पाकिस्तान जो होगा ये किस में रहा जाएगा, ग्रे लिस्ट में रहेगा जब तक 2021 तक। अब आइए बात करते हैं, FATF ने इश्यू किया है 27 पॉइंट एक्शन प्लान, ठीक है, कर्बिंग मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेरर फाइनेंसिंग, ये चीज़ें होती हैं। इसी को लेकर क्या करती है FATF भी, बेसिकली क्या करती है कि कंट्रीज़ की लिस्ट निकालती है और इसमें 27 पॉइंट होते हैं जिनके आधार पर जो है ये डिसाइड करती है। पाकिस्तान 21 पॉइंट के साथ कंप्लाइज करता है, इसीलिए पाकिस्तान को अभी फिलहाल ग्रे लिस्ट के अंदर रख दिया गया है। तो देखिए भाई साहब, चलिए आइए देखते हैं यहाँ पर इसके बारे में जानते हैं। FATF के बारे में, ये कब बनी थी, इसको इस्टेब्लिश किया गया था G7 कंट्रीज़ के द्वारा 1989 में। जो G7 कंट्रीज़ थे उन्होंने इसकी स्थापना की थी। पर्पज़ क्या था कि जो इंटरनेशनल टेररिज्म की फंडिंग होती है वो फंडिंग रोकी जा सके, और जो उन कंट्रियों के साथ ऐसा कोई व्यापार वगैरह ना किया जाए जो टेररिज्म वगैरह को फंडिंग करते हैं, उसको लेकर इसकी शुरुआत की गई थी और तब से ये चला आ रहा है। अब इसके लिस्ट के बारे में बात कर लूँगा, ठीक है। ये इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है, ये सारी की सारी चीज़ें, मनी लॉन्ड्रिंग हो गया या पाकिस्तान या कोई आतंकवाद की ऐसी चीज़ हो रही है उसको लेकर पैसा के गलत इस्तेमाल ना हो, उसके ऊपर ये काम करती है। देखो, ये ग्रे लिस्ट है और ये ब्लैक लिस्ट है। अगर किसी कंट्री को ब्लैक लिस्ट में डाला जाता है या उसे ग्रे लिस्ट में डाला जाता है, दोनों के बीच में क्या क्या डिफरेंसेस हैं। सेफ हेवन फॉर टेरर फंडिंग एंड मनी, अगर कोई कंट्री ग्रे लिस्ट के अंदर है तो उसको समझ के चलिए कि उस कंट्री में टेरर की फंडिंग हो रही है और वो आतंकवाद के लिए सेफ हेवन है। लेकिन अगर ब्लैक लिस्ट में है तो नॉन एज ए नॉन कोऑपरेटिव कंट्रीज फॉर टेररिज्म टेररिस्ट, ठीक है। तो अगर ये जो ब्लैक लिस्ट में है सपोर्ट टेरर फंडिंग, अगर ब्लैक लिस्ट में है तो टेरर फंडिंग को सपोर्ट करेगा, मनी लॉन्ड्रिंग को सपोर्ट करेगा, ये बहुत ज़्यादा ख़राब है। और ये जो है थोड़ा सा उससे कम ख़राब आपको देखने के लिए मिलेगा। तो पाकिस्तान फ़िलहाल के ऐसी लिस्ट में, ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान को रखा गया। ये पाकिस्तान के बारे में, पाकिस्तान का मैप है। कपिला स्टैंड फॉर, कपिला का मतलब क्या है, रिसेंटली चर्चा में चल रहा है, कपिला को लेकर बात चल रही है, ठीक है। कपिला का मतलब क्या है, कपिला की फुल फॉर्म क्या है, ये आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ कपिला, कपिला की पूरी फुल फॉर्म यहाँ पर क्या है। देखिए, कपिला की फुल फॉर्म है कलाम प्रोग्राम फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लिटरेसी एंड अवेयरनेस। अब्दुल कलाम जी की, जो अब्दुल कलाम जो है उनका जन्म अक्टूबर में हुआ था, आप सब ये जानते हैं। तो उसी को लेकर जो है कपिला की शुरुआत की गई है, कलाम प्रोग्राम फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लिटरेसी एंड अवेयरनेस, के लोगों का जो IPR होता है और जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती है उसका उनको पेटेंट प्राप्त हो सके, उसको लेकर शुरुआत की गई है कपिला की। आइए बात करते हैं क्या है और किस मिनिस्ट्री का इनिशिएटिव है। रिसेंट द यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर, हमारे जो एजुकेशन के मिनिस्टर रमेश पोखरियाल जी, उन्होंने क्या इसकी शुरुआत की है, हैज़ लॉन्च द कलाम प्रोग्राम फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लिटरेसी एंड अवेयरनेस कैंपेन, जिसे आप कपिला के नाम से जानते हैं मेरे प्यारे साथियों, इसकी शुरुआत की है। ये क्या करेगा, ऑन द ओकेजन ऑफ द 89th बर्थ एनिवर्सरी, डॉक्टर अब्दुल कलाम की बर्थ एनिवर्सरी थी आपको पता है, उस पर इसकी शुरुआत की गई है। ये बात आप जरा याद रखें। देख कपिला क्या है, स्टूडेंट फॉर हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन फॉर्म्ड अबाउट, देखो एक्चुअली क्या होगा कपिला के अंदर दो तीन चीज़ें हैं। पहली चीज़ ये किसी को आईपीआर प्रोवाइड करना, जैसे किसी का इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है, आपने कोई खोज की, आपने कोई इन्वेंशन किया, आपने कोई वैज्ञानिक खोज की, अब उसका पेटेंट आपको प्रोवाइड करना, इसके लिए कपिला का मेन यूज़ है कि जो भी स्टूडेंट हायर एजुकेशन वगैरह के आईआईटी के हो गए, कि आईआईएम के हो गए, या किसी इंस्टीट्यूशन के आप हो गए, तो आपको अगर पेटेंट चाहिए उसको लेकर जो है कपिला की शुरुआत की गई है। तो जो हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूशन हैं, सिस्टम ऑफ एप्लीकेशन प्रोसेस, आपको पेटेंट चाहिए तो उसके लिए आप सिस्टम ऑफ एप्लीकेशन आप कैसे करोगे, ठीक है, आपका इन्वेंशन के लिए आपको पेटेंट कैसे प्राप्त होगा, अवेयरनेस प्रोटेक्टिंग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, कि अगर किसी का आईपीआर है, किसी ने कोई गाना लिखा, किसी ने कोई खोज की, उसके बारे में अवेयरनेस जो है ये कैसे पैदा होगी। बेसिकली एक ही पर्पज़ है कि आप अपने द्वारा इन्वेंटेड चीज़ों का आईपीआर करा सकें, उसको लेकर आपको अवेयर करेगी, आपका प्रोसीजर करवाएगी और आपको आईपीआर प्रोवाइड कराने के लिए कपिला जो एक प्रकार से ये पूरी मदद होगी इसके अंदर, यही इसका पूरा का पूरा पर्पज़ है, ठीक है, ये आप याद रखेंगे। ग्लोबल रैंकिंग अगर बात करो, इंडिया का जो स्थान है, अगर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन की WIPO के अकॉर्डिंग देखोगे तो इंडिया का 7वां नंबर है पूरी दुनिया में। जो इंडिया में इतने ज़्यादा पेटेंट फाइल होते हैं, इंडिया का 7वां नंबर आता है। अगर पूरे विश्व की बात करोगे, इंडिया काफ़ी पिछड़ा हुआ है। उसी को लेकर जो है हम चाह रहे हैं कि हमारे यहाँ नए वैज्ञानिक जो पैदा हो रहे हैं वो चीज़ों को लेकर थोड़ा सीरियस रहें और अपनी चीज़ों को पेटेंट वगैरह करवाएं। इसके लिए अब्दुल कलाम जी की जयंती पर इसकी शुरुआत कर दी गई है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा, ठीक है। स्टैब्लिश मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के बारे में बताया गया, ये आप पढ़ लेंगे सारी चीज़ें, ठीक है। अब देखो भैया, ग्लोबल वेल्थ रिपोर्ट 2020 वॉज पब्लिश्ड बाई, अब ये किसके द्वारा पब्लिश की गई थी, ग्लोबल वेल्थ रिपोर्ट, इसे पब्लिश करती है क्रेडिट स्विस, ठीक है। अब ये क्या है बेसिकली मैं आपको बताता हूँ। क्रेडिट स्विस हैज़ रिलीज द ग्लोबल वेल्थ रिपोर्ट 2020, प्रोवाइड द मोस्ट कॉम्प्रीहेंशन अप टू डेट कवरेज ऑफ द इन्फॉर्मेशन ऑफ हाउस होल्ड वेल्थ वर्ल्ड वाइड, कि भैया हाल ही में एक रिपोर्ट आई है, इसे आप ग्लोबल वेल्थ रिपोर्ट के नाम से जानते हैं, कि दुनिया में पैसे का क्या हालत है, लोगों के पास कितना पैसा है। ये कोरोना के बाद रिपोर्ट बड़ी चर्चा में रही है अभी रिसेंटली। इन 2019 टोटल ग्लोबल वेल्थ रोज, ठीक है, पूरी दुनिया का जो टोटल ग्लोबल वेल्थ है वो 36.3 ट्रिलियन है, ठीक है। ये पूरी दुनिया की ग्लोबल वेल्थ के बारे में बात की जा रही है, आपको इससे जानने का कोई मतलब नहीं है, आपको सिर्फ भारत पर फोकस करना होगा, ठीक है। वेल्थ पर अडल्ट इतना बताया गया, एवरेज वेल्थ इंडियन अडल्ट की अगर बात करो तो भारत के जो इंडियन अडल्ट की जो वेल्थ है वो यूएस डॉलर की बात करें तो 17,420 यूएस डॉलर है, ये एवरेज है। अब ये एवरेज तुम्हें क्यों नहीं दिखता है, रीज़न क्या है कि इंडिया में कुछ पैसे वाले कुछ गरीब हैं, लेकिन हमने तो क्या किया, एवरेज करके उसको इंडिया की पॉपुलेशन से भाग दे लिया है, इसीलिए ये जो है एवरेज में आपको दिखे ज़्यादा मिलेगी। इंडिया में ज़्यादा बढ़ी हुई है, इंडिया की रेज हुई है थोड़ी सी पहले से अगर आप इसको देखोगे, ठीक है, इन सारी की सारी चीज़ों को। तो ये भाई था आपका प्रश्न जो है लास्ट था, तो आपसे पूछा जा सकता है कि ग्लोबल वेल्थ रिपोर्ट कौन सा जो है ऑर्गेनाइजेशन इसे पब्लिश करती है, तो आप इसका नाम याद रखेंगे, जो है क्रेडिट स्विस के द्वारा इसको लॉन्च किया जाता है, ये ग्लोबल वेल्थ रिपोर्ट पब्लिश करती है, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो इस सेशन को आज यहीं एंड करते हैं। आज के सेशन में भी आपको एक समस्या रही होगी इंग्लिश अंग्रेजी की, कल से इसे दूर करते हैं। तो आज की कल की क्लास दोनों का आज मैटर था, कल से शुरुआत कर देंगे इसकी अंग्रेजी को चेंज करके, और कल से मैं आपको दोनों लैंग्वेज में चीज़ें प्रोवाइड करा दूंगा, इधर हिंदी में इंग्लिश में, ठीक है। नमस्कार, बाय, जय हिंद भाई।